हियर इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज के आपको मैंने कहा था जो कॉपी का सेक्टर होता है उसकी प्रोटोटाइप ऐसे होती है, उधर चले जाओ प्लीज। हमने क्या बनाया था, फॉर एग्जाम्पल माई स्ट्रिंग क्लास थी और उसके अंदर क्या पास हो रहा था, माई स्ट्रिंग ही टाइप का एक एम्परसेंट, और यहां क्या लिखते हैं, कोई भी नाम रखना नाम रखते, ठीक है, और हम यहां पे कॉन्स भी लिखते हैं, ये दोनों चीजें लिखना जरूरी होती है, ठीक है। कॉन्स नहीं लिखेंगे तो कुछ और बन जाएगा, और अगर एम्परसेंट ना डालें तो भी बड़ा खतरनाक काम है, क्यों, क्योंकि आप एसेंशियली ऐसे लिखते हैं, आप लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल माई स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू लेट्स से एबीसी या 1 2 3, ठीक है, फिर आपने लिखा माई स्ट्रिंग एस टू इज इक्वल टू एस, एसेंशियली ये कॉल करता है इसको, ऐसी है, ऐसी है, क्योंकि एसेंशियली क्या हो रहा है कि क्रिएशन के वक्त ही आप एक और ऑब्जेक्ट उसको असाइन कर रहे हैं, ओके, दिस इज वेयर कॉपी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, ठीक है। अब सवाल है मेरा आपसे, ये सिनेरियो कहां कहां कर सकता है, एक तो ये सिनेरियो, यही सिनेरियो एक और जगह भी कर सकता है, कहां पर, लेट्स से कि आपने एक फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन में मैं क्या पास करूं तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, इसी माई स्ट्रिंग टाइप का एक ऑब्जेक्ट ओबीजे पास हो रहा है और वो बाय कॉपी पास हो रहा है, जब बाय कॉपी पास होगा तो आप ऐसे कॉल करेंगे ना, आप करेंगे एफ, एफ में लेट्स से एस भेज देते हैं, ऐसी है ना, यहां आपने कॉल किया, ठीक है ना, ऐसी है, तो ये कर रहा है, ये बेसिकली कह रहा है इसकी नई कॉपी बनाओ, या आपने कॉस लिखना है या नहीं लिखना है, लेकिन ये बाय कॉपी भेजा जा रहा है, बाय कॉपी भेजने का मतलब क्या है, इसकी कॉपी बनाओ, आपको ये बात समझ आई, कॉपी बनाने का मतलब बेसिकली क्या है, ये तो एसेंशियली बेसिकली ये ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्जन होती है, किसमें, ये इसका मतलब बेसिकली क्या है बताए मुझे, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ऊपर लिखी हुई जो, ये एसेंशियली इसको इज इक्वल टू एस हो रहा है, आप जो यहां से आर्गुमेंट भेज रहे हैं वो वहां पर इसको असाइन हो रहा है, तो आपका एक वेरिएबल बन रहा है, साथ ही इसको असाइनमेंट हो रही है, किससे था असाइनमेंट हो रही है, किससे असाइनमेंट हो रही है, एस के साथ, जो आपने यहां पे आर्गुमेंट में भेजा था, ये बात समझ गई, इसी तरह एक सिनेरियो और है जहां पर यह काम होगा और वो ये है, लेट्स से मैं एक और फंक्शन बनाता हूं जिसका नाम है टी, ठीक है, आई डोंट नो क्या करना है सब, लेकिन जो इसकी रिटर्न टाइप है ना वो है माई स्ट्रिंग, एम्परसेंड नहीं, क्या है इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन के अंदर कुछ हो रहा है, इसके अंदर मैंने कोई भी कुछ काम किया वगैरह वगैरह वगैरह, और लेट्स से मैंने आखिर में कोई एक रिटर्न किया, क्या एक नई स्ट्रिंग बनाई थी मैंने, इसके अंदर ही उसको रिटर्न करवा दिया, ये बेसिकली क्या हुआ, ये आर तो यहां पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये आ खुद तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन बेसिकली आपने ये लिखा होगा ना, आपने मेन में ये टी फंक्शन कॉल किया होगा और इस टी फंक्शन के ऊपर आपने कोई असाइनमेंट की होगी, लेट्स से समथिंग लाइक दैट, के क्यू इज इक्वल टू दिस समथिंग लाइक दैट, है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली इस टी फंक्शन ने एक इस आर की एक नई कॉपी बनाई और वो नई कॉपी जाके इस क्यू को साइन कर दी, ये बस में एक और मसली बात, अगर मैं ये बस थोड़ा यहां से इरेज कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर माई स्ट्रिंग क्यू लिख दूं क्या हुआ, तो एक तो ये टी इस आर की नई कॉपी बन रही है जो रिटर्न हो रही है ना, और वो कॉपी क्यू को असाइन भी हो रही है एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, तो क्या होगा, एक और कॉपी बनेगी, ये बात समझ आ रही, क्या हो रहा है, एसेंशियली इस एक लाइन के ऊपर दो तरह कॉपी कॉल होगा, एक किसके लिए, उस आर ने जो रिटर्न होने उसकी कॉपी बननी है और वो कॉपी यहां पर रिप्लेस होनी है इस टी वाली जगह पर, और वही फिर इसको असाइनमेंट भी होनी है, जो नए कंपाइलर है ना वो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, वो करते क्या है, यानी पुराने कंपाइलर जो थे ना वो यहां पर दो दफा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करते थे,
ये मैंने पिछली क्लास में पिछली दफा जब मैं पढ़ा रहा था मुझे एक सीन बताया, बच्चे ने बताया सर जी यहाँ पे दो दफा कॉल नहीं हो रहा, यहाँ पर ये एक दफा कॉल हो रहा है। तो जो नए कंपाइलर है वो थोड़े से ऑप्टिमाइज है, तो वो क्या करते हैं तो बताया यार यार, यार यहीं पर एक टेम्पररी बनना है, वो यहाँ पे रिप्लेस होना है और वही आके क्यू को असाइन होना है, तो वाई नॉट आई डू द फॉलोइंग, क्या करें यहाँ पे ख्याल में, वो इसी क्यू की ही स्पेस पे उसको बना देते हैं ताकि उसको क्या क्या ना करना पड़े, ये असाइनमेंट कर दी ना पड़े, ये असाइनमेंट करनी ना पड़े। आपको ये बात समझ आई मेरे क्या बात की? ठीक है, तो वो थोड़े से ऑप्टिमाइज है जो किसी प्रोसेस जिन्होंने कर दी है। तो यहां पर आके चेक कीजिएगा कि कितना कॉल होता है, क्योंकि ये एग्जाम में सवाल आएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। और सवाल ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर कहां कहां कॉल होता है असाइनमेंट करते हुए। ठीक है, अगर आप पैरामीटर पासिंग करें बाय कॉपी या पैरामीटर या उसने इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न किया है और वो रिटर्न किया है बाय कॉपी, ओके, अगर आप एक फंक्शन से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहे हैं और वो बाय कॉपी रिटर्न करवा रहे हैं तो उसकी एक टेम्परेरी कॉपी बनती है। आपको ये बात समझ आई? लेकिन अगर आप एक और फंक्शन है, लेट्स से कोई और फंक्शन है, लेट्स से टी फंक्शन या टी टू कर दे, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप है माई स्ट्रिंग एम परसेंट, और ऑफकोर्स इसके अंदर रिटर्न में क्या लिखा हुआ है, रिटर्न स्टैटिक दिस लिखा हुआ है समथिंग विद दैट। अब कॉपी नहीं बनेगी, अब ये क्या हो रहा है, ये उसी ऑब्जेक्ट को वहां पे रिप्लेस कर रहा है जिसके थ्रू यहां पे लेफ्ट पे आपने कॉल किया था, ठीक बात समझ, तो कोई कॉपी नहीं बनेगी क्योंकि वो एक्चुअली बाय रेफरेंस ही रिटर्न हो गया। लेकिन अगर आप रेफरेंस नहीं लगाएंगे तो इस जगह पे जाकर दोबारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक है, ये इंटरव्यूज का वन ऑफ द वेरी फेमस क्वेश्चन है। ऊप के जब कुछ सवाल कहते हैं ना तो उसमें एक डिसपॉइंटर बड़ा सवाल जबरदस्त सवाल होता है, एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों पेश आती है और वो कहां कहां कॉल होता है। ठीक है, शैलो कॉपी डीप कॉपी ये सारे सेम ही सवाल है। ठीक है जी, अगर हम कॉपी शैलो कॉपी कब होती है, जब हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद ना बनाया, जब खुद नहीं बनाएगा तो उसकी डिटो कॉपी बना देगा। ठीक है, ये यहां मैंने कल आज सुबह की क्लास में मैंने ही बनाया कि ये स्ट्रिंग बनाई जिस एबीसी की तरफ पॉइंट कर रहा है, अगर मैं ये कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद ना बनाता तो ये जो मैंने डी इज इक्वल टू एस किया है तो वो बेसिकली इसको जाके असाइनमेंट हो जाती है। ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है, बेसिकली फिर हम क्या करते हैं जो जो जिसके लिए डी के लिए हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है वो बेसिकली होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है और हमने बनाया हुआ है इसका उसकी जगह पे, तो वो बेसिकली क्या करता है, जो कंपाइलर की इंप्लीमेंटेशन होती है उसकी जगह पर ये वाली इंप्लीमेंटेशन रिप्लेस कर देता है। जब वो रिप्लेस करता है तो एसेंशियली अब जब असाइनमेंट होगी तो वो हमारा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, और जब हमारा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वो फिर आप उसके साथ चेंज क्यों करना चाह कर सकते हैं। ठीक है जी, नहीं डेलीगेट कंस्ट्रक्टर तो एक अलग चीज है ना, डेलीगेट कंस्ट्रक्टर ये है कि मेरे पास मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ जिसमें तीन पैरामीटर फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, दूसरा जिसमें एक पैरामीटर जा रहा है तो बाकी दो तो मैंने डिफॉल्ट बनाने डिफॉल्ट पैरामीटर, तो मैं कहता हूँ कि मैं उसी तीसरे वाले कोई कॉल कर देता हूँ मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू और मैं उसके अंदर बाकी दो पैरामीटर बाय डिफॉल्ट वाली भेज देता हूँ। ठीक है, वो डेलीगेट। ठीक है, डेलीगेट बेसिकली यह है, अभी जो हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल आज की क्लास के अंदर मैंने जो दूसरी सेक्शन का क्लास था उसमें मैंने इक्वल टू फंक्शन बनाया, लेट्स से लेस देन फंक्शन बनाया। ठीक है, अब लेस देन फंक्शन बनाया, अगर आप लेस देन बना ले तो ग्रेटर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, ऑटोमेटिक तो नहीं कॉल होगा। जैसे ना फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एस, मैंने ये कॉल किया हुआ। ठीक है, लेट्स से आपने लेस देन बना लिया हुआ, मैं आपने लेस देन बना लिया हुआ, इसके अंदर ऑफकोर्स एक माय स्ट्रिंग एस टू पास होता है। ठीक है, ये आप लेट्स से बना चुके हैं तो एक एस वन जो है वो जिसकी तरह आ जाएगा और एक एस टू आ जाएगा। अब आपने फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर देन बनाना है तो ग्रेटर देन बनाना है, इसमें एस टू आ रहा है तो एसेंशियली आप क्या करें, आप बेसिकली सिर्फ ये काम करें रिटर्न क्या एस टू डॉट लेस और इसमें क्या भेज दें स्टैटिक दिस पे, है ना। आप अगर आप एस वन की ग्रेटरनेस चेक कर रहे थे एस टू से तो दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू क्या S2 की स्मॉलर देननेस
लेसर देननेस फ्रॉम S1, और S1 हमारे पास क्या है, एस्टेरिस्क इसमें पड़ा हुआ। ये मैंने क्या किया, ये मैंने अपना काम इसको डेलीगेट कर दिया। ग्रेटर देन ने क्या किया, ग्रेटर देन ने अपना काम लेस देन को डेलीगेट कर दिया। दैट्स व्हाट डेलीगेशन मींस। ये बात है कि यानी मैंने ग्रेटर देन मुझे बराबर बनाने की जरूरत नहीं है, यानी मैं बनाऊंगा सही ऑफ कोर्स, लेकिन वो फंक्शन अपना काम दूसरे फंक्शन को सौंप देता टू करा। ये बात समझ, ठीक है। फायदा क्या है, फायदा ये कि ऑफ कोर्स दोबारा इंप्लीमेंटेशन ना करना पड़े। एक्चुअली जो इक्वल टू है उसको भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी डेलीगेट से बन जाता। कैसे, अगर दोनों ही ना हो तो इक्वल टू के अंदर फिर अगेन एक रिटर्न लिखेंगे और उसमें लिखेंगे क्या लेसर देन भी ना हो एंड ग्रेटर देन भी ना हो। अगर दोनों नहीं है तो मतलब क्या, दोनों इक्वल है, डज इट मेक सेंस, ठीक है। तो इन्हें कहना है डेलीगेट फंक्शन। अब वो कंस्ट्रक्टर हो जो मर्जी हो, वो डेलीगेट डेलीगेट ही होता है। ये बात है, वो अपना काम दूसरे पर सौंप रहा है, तू करा, ठीक है। ये बात समझ, शाबाश।